पूरे 2 दिन तक ये बैठी रही है, मैंने इसको खुद नहीं उठाया, मैंने कहा उठेगी 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 और वो उठी ही नहीं। तो भाई कह रहे थे कि भाई आप ना सिर्फ कबूतरों की अपडेट देते रहते हैं, बाकी परिंदों की भी तो अपडेट दिया करें। तो मैंने कहा चले आज आपको सारे परिंदों की अपडेट देते हैं, सारे कबूतरों के, जितने भी कबूतरों के हमारे पर कटे हुए ना, सबकी कलियां निकाल देंगे ताकि उन सबके नए पर आ जाएं। फालसे के पौधे के साथ ना जुल्म पे जुल्म हुआ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों अभी ना ऊपर आया था, मैंने कबूतरों का पर्दा वर्दा हटाया, पूरा ढका हुआ था आगे से, तो जो है ना कबूतर हम लोगों ने ढके हुए थे, तो मैंने पर्दा वर्दा हटाया, मैं कबूतर खोलने ही लगा था, एकदम से मुझे ना मुर्गी की आवाज आई कुड़ुक 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 कुड़ुक। तो जो है ना मैंने देखा हमारी मुर्गी जो है ना कुड़ुक से उड़ गई है, तो मतलब अंडों से उड़ गई है, क्योंकि उसने दाना पानी करना था। तो जो है ना अभी मैंने उसको बाहर निकाले और बाहर निकाला ही है मैंने उसको, और ऐसी भागती हुई आई है डायरेक्ट, मुर्गा भी अपना खुला हुआ था। देखे मुर्गे को उसने लाते मारी है, मुर्गा उसके पास आ रहा था भाग के, मुर्गे को उसने लाते मार के दूर भगाया और सीधा आई है मट्टी में बैठ गई डायरेक्ट। खाना पानी भी नहीं सोचा, ना इधर गई है ना उधर गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पीछे मट्टी में फौरन से आके डायरेक्ट बैठी और ऐसा मजे से खेल रही है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखें अब ये कैसे मजे से खेल रही है, इसको मैंने मट्टी सारी एक जगह पे करके दे दी है और वो देखें कैसे खेल रही है, और ये भागता हुआ है पागल टाइगर। चलो तुम दूर ही रहो, करीब नहीं आना इसके। तो देखें इसको आज मैंने बाहर निकाला था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इंजॉय करे अपना, बाहर खेले फिरे, क्योंकि कल ये पूरा दिन उठी नहीं थी, मतलब दाने के लिए भी नहीं उठी, मतलब कल ना, तो आज जागी उठी है, मतलब पूरे 2 दिन तक ये बैठी रही है, मैं इसको खुद नहीं उठाया, मैंने कहा उठेगी 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 और वो उठी ही नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया। अभी सुबह सुबह में मैंने इसको बाहर निकाल दिया, दाना पानी कराऊंगा अभी इसको, और देखें कैसे खेल रही है मट्टी में। जैसे ही बाहर निकाला डायरेक्ट भाग के आई है, सीधा मट्टी में खेलने के लिए बैठ गई है, तो शायद इसको ना खारिश वारिश हो रही होगी, तो इसी वजह से ये मट्टी में खेलते हैं ताकि इनकी खारिश वारिश खत्म हो जाए। तो इसलिए देखिए डायरेक्ट बाहर आते ही मट्टी में खेलना स्टार्ट कर दिया इसने, इतने मजे से खेल रही है। तो इसको देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि बाहर आई है आज, तो मैंने इसको बड़े टाइम बाद इसको बाहर निकाला है, बच्चे निकलने में इसके खाली 2-3 दिन रह गए, और देखें अभी आराम से खेल रही है बाहर। तो अंडों को अभी कोई भी नहीं है, अंडों के बाद बिल्कुल खाली है, क्योंकि टाइगर भी हमारा बाहर देखे कैसे गौर गौर से देख रहा है। तो अभी ये थोड़ी देर खेलती है कि 5 मिनट खेलेगी फिर खुद ही मुझे उड़ जाएगी, मतलब ना 5 मिनट मट्टी में बैठेगी फिर खुद ही उड़ जाएगी और जाके वहां पे खड़ी हो जाएगी कि जैसे इसको अब भाई बस हो गया इसका अंडों पे जाना है। इसको देखें कैसे खेल रही है, मैंने कहा चले थोड़ी बहुत धूप वूप भी लगा लेगी, क्योंकि बेचारी पूरा दिन अंडों पे बैठी रहती है, धूप वूप भी नहीं लगाती होती है, तो इसीलिए अभी मैंने इसको आज बाहर निकाला है, थोड़ा बहुत खेले फिर वापसी अंदर बंद कर देंगे इसको। तो जितना इसने एंजॉय करना था ना मट्टी में एंजॉय कर लिया था और ये आ गई थी यहाँ पर, तो अब मैंने इसको अंदर किया, तो देखें पानी वानी पी रही है, थोड़ा बहुत दाना वाना और खाएगी, अभी थोड़ा बहुत खा लिया था इसने लेकिन बाहर चली गई थी, तो अब थोड़ा बहुत और खाएगी फिर जो है ना अंडों पे बैठ जाएगी जाके। तो 7 अंडे इसके देखें ये पड़े हुए, 7 अंडे वैसे के वैसे, जैसे ये छोड़ के जाती है वैसे ही पड़े हुए। तो अब जो है ना ये थोड़ी सी देर में बस 5 मिनट यहाँ पे और लगाएगी और अंडों पे बैठ जाएगी, फिर इंशाल्लाह कल या परसों या पता नहीं 3 दिन मेरे ख्याल में होंगे ज्यादा ज्यादा, तो फिर जो है ना बेबी निकल आएंगे अंडों से इन वाले। तो मेरे को तो बस इंतजार ही नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ बस आज ही निकल आ जाए, तो फिर लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, 2-3 दिन है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, फिर ही अंडों से बच्चे आएंगे। और जिंदगी में पहली बार मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि बच्चे निकले अंडों से, अपने हाथों में लूंगा उन बच्चों का, तो वो अलग ही मजा होगा, तो वो भी हम लोग इंजॉय करेंगे। बस इंशाल्लाह 2-3 दिन ही रह गए, तो बस जल्दी जल्दी करो तुम, पानी वानी पियो फिर बंद बैठ जाना तुम अंडों पे जाके। उसको भी छोड़ता हूँ यहाँ पे, खुद ही जाके बैठ जाएगी दाना पानी करके। तो हम लोग चलते हैं बाहर, कबूतरों को भी खोलते हैं, अभी तक मैंने खोले नहीं है, देखें सारे अभी तक पिंजरे में ही हैं। तो मैंने पर्दा हटाया था, मैंने कहा 5-10 मिनट अंदर ही रहे फिर बाहर निकालेंगे, तो अब बाहर निकाल लेते हैं उनको भी। हमने सारे खोल दिए, थोड़ा बहुत दाना भी डाल दिया इनको। काबली अभी मैंने नहीं खोले, काबलियों को अभी नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि पट्टियाले और गोले खुले हुए। बाकी राजू रानी के आगे से भी पर्दा हटा दिया ताकि इनको भी धूप लगती रहे, क्योंकि ठंड का मौसम है, धूप काफी ज्यादा जरूरी है। और पूरी छत पे देखें धूप है, कबूतर भी देखें धूप सेक रहे हैं, लेकिन ये ना नहा भी लेते हैं, तो पता नहीं ये नहाते क्यों है, मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि नहाते इसीलिए होंगे गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, सर्दी का तो खाली नाम है हमारे यहाँ कराची में, बाकी सर्दी वर्दी का तो कुछ पता ही नहीं है कि आई है नहीं आई है। वो देखें सारे धूप सेक रहे हैं, इतनी तेज धूप हो रही है ना कि मेरे को अभी छांव में बैठना पड़ा है। देखें मैं किधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, छांव में। तो राजू रानी को फिर भी मैंने धूप के लिए ना पर्दा हटा दिया उनका, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत धूप लगे, क्योंकि इनको तो जरूरी होगी धूप, क्योंकि पूरी रात छत में ही थे। तो देखें अभी टाइगर उनको तंग भी कर रहा है, टाइगर को पता नहीं क्यों तंग करने पहुंच जाता है उनको, बार बार जाली में जाके मुंह घुसाता रहता है। तो अभी मिट्टू को भी दाना डालते हैं, मिट्टू की भी आपको आवाजें आ रही होंगी, काफी ज्यादा चीख रहा है, तो ये मैंने उसका दाना उठा लिया, तो मिट्टू को भी दाना डालते हैं। तो जो है ना एक भाई कह रहे थे कि भाई आप ना सिर्फ कबूतरों की अपडेट देते रहते हैं, बाकी परिंदों की भी तो अपडेट दिया करें, तो मैंने कहा चले आज आपको सारे परिंदों की अपडेट देते हैं। तो मिट्टू को भी मैं दाना डाल देता हूँ, देखिए अंदर खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल ही।
तो काटना नहीं, बस तुम मुझे बता रहा हूँ, वो देखे छीन रहा है मेरे से, वो देखे छीन रहा है मेरे से। चलो ले लो, तुम ले लो, पूरा ले लो, जाओ तुम पूरा खा लो। पानी इसका चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। मुर्गी भी मैंने आपको दिखा दी, राजू रानी का देखे अब ये तंग कर रहा है। चलो यार तुम इधर से दूर जाओ, दूर निकलो। चलो तो राजू रानी कभी नहीं खोल रहा, जब ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर ये छत पे घूमे, फिर थोड़ी देर ये छत पे घूमेंगे, फिर थोड़ी देर ये छत पे घूमेगा, फिर थोड़ी देर ये छत पे घूमेंगे। तो इस तरह ना इनकी शिफ्टें लगती रहती हैं, दिन में कभी ये बंद हो जाता कभी वो खोल देते। तो देखें कितना इन लोगों ने फैलावा किया हुआ है, तो इसको साफ करना है, लेकिन सफाई का ना वक्त निकल ही नहीं रहा, तो बस इसको भी साफ करेंगे। सारी गंदगी है तो इसको साफ करना है, तो फिर इसको भी साफ करेंगे। और आज ना काबली खोले नहीं अभी तक, तो इनको भी ना आज सारे कबूतरों के, जितने भी कबूतरों के हमारे पर कटे हुए ना जो के बीमार नहीं है थोड़े बहुत, तो उनके पर खींचेंगे, क्योंकि जो बीमार है वो उनके पर खींचेंगे वो, और खत्म मर जाएंगे फिर वो बेचारे। तो इस कबूतर के जैसे पर कटे हुए लेकिन ये बहुत ज्यादा बीमार है, तो इसके पर नहीं खींचेंगे, ये जब ठीक हो जाएगा ना फिर इसके खींच देंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी के जितने भी सेहतमंद कबूतर होंगे ना उनके आज हम लोग सबकी कलियां निकाल देंगे, ताकि उन सबके नए पर आ जाए, तो फिर उनको उड़ाया करेंगे। क्योंकि गर्मियां समझ लें आई गई हैं, सर्दियां आई नहीं है, गर्मियां पहले ही आ गई है, तो कोई नहीं, जो भी है बस गर्मी आने वाली है, क्योंकि टाइम लगेगा इनकी कलियों को आने में, डेढ़ महीना दो महीना तो लग ही जाएंगे पर पूरे के पूरे आने में, फिर उसके बाद ही उड़ा सकेंगे। तो जितने भी काबली कबूतर है ना, और जिन जिन कबूतरों के बाहर भी कुछ हैं जिनके पर खींचे हुए हैं, जैसे ये कबूतर है और वो लाल दुबास कबूतर है, इनके भी पर निकाल देंगे, तो सबको है ना फिर पर आ जाएंगे, फिर मजा ही अलग होगा, सारे कबूतरों के पर होंगे। अभी काबली ना जब तक पर नहीं आएंगे तब तक बंद ही रहेंगे, क्योंकि उनके जब कच्चे पर होंगे और वो बाहर होंगे हम लोग फटिक देंगे, वो उड़ जाएंगे ना, तो फिर वो किधर और जाके बैठ जाएंगे या किधर और किसी और के पास उतर जाएंगे, तो ऐसे फिर कबूतर बहुत ज्यादा जाया होते हैं। आपने देखा होगा ये कबूतर वगैरह हम लोगों ने पकड़े थे ना जब, तो जितने भी कबूतर हम लोग पकड़ते हैं, ज्यादातर कबूतर पकड़ते हैं उनके पर ना खराब होते हैं, मतलब बीच बीच में गैप होता है, तो इसी वजह से ना कबूतर काफी ज्यादा गिर भी जाते हैं इधर उधर। तो आज इन कबूतरों की कलियां वलियां खींच देंगे। फैसल उस्ताद अभी नीचे हैं, फैसल उस्ताद ऊपर आएंगे, फिर इन सारे कबूतरों को बाहर निकालेंगे, पट्टी वाले बंद करेंगे, फिर एक एक करके इन सबके पर निकाल देंगे। तो सब चीजों की तो मैंने आपको अपडेट दे दी, मैंने सोचा क्यों ना बेचारे अपने फालसे के पौधे की भी मैं आपको अपडेट दे दूं। देखें कितनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है मैंने इसको, लेकिन फिर भी बेचारे को ग्रो नहीं होने दिया जा रहा। इस बेचारे फालसे के पौधे के साथ ना जुल्म पे जुल्म हुआ जा रहा है। 2 साल का ये पौधा और इस बेचारे के अंदर देखें है क्या, सिर्फ एक सीधी डंडी है और उसके अंदर 2 पत्ते हैं गिनती के, बाकी के ये वाली देखें जो यहाँ पे पूरी फैली हुई होती थी, मतलब पूरी दीवार पे पूरी मतलब पत्ते ही पत्ते भरे होते थे, ये भी सारा मैंने मुर्गियों को खिला दिया था, तो अब जो ये भी खत्म हो गई है, मतलब सूख गई है, सूखी नहीं है शायद, इनका भी सीजन नहीं है। डंडियां जिंदा है, मैंने चेक की थी कल, ये वाली थोड़ी सी तोड़ के तो अंदर से ना वो पूरी हरी थी, लेकिन पत्ते निकल नहीं रहे, शायद इनका भी सीजन नहीं है मेरे ख्याल में। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली बेल हटा के ना कोई हम लोग दूसरी बेल लेकर आए, जिसको ना जिसके लिए हम लोग को धागे वगैरह नहीं लगाने पड़े, मतलब जाल नहीं बनाना पड़े, खुद ही वो दीवार पे चिमट जाए। तो ऐसी एक मैंने बेल देखी थी, उसका नाम था कैट क्लो क्रीपर वाइन, तो देखेंगे वो अगर हमारे यहाँ पे मिली ना तो फिर वही वाली लगा देंगे, वो खुद ही दीवार पे चलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर ना पता नहीं एक कांटे टाइप से होते हैं, वो दीवार पे चिपक जाते हैं, और ये दीवार तो वैसे ही आप देख रहे हैं प्लस्तर भी नहीं हुई हुई, तो इसमें उसको और आसानी होगी। तो मैंने सोचा कि वाली बेल अगर यहाँ से मिली तो वाली लगा देंगे। बेचारा फालसे का पौधा तो हमारा मैंने और छोटा कर दिया, तो यहाँ तक इतना लंबी डंडी थी, तो मैंने कहा डंडी के तो कोई फायदा नहीं है, तो मैंने डंडी छोटी कर दी। अब देखते हैं इसका भी सीजन आने वाला है, तो फिर देखेंगे ये भी फ्रूटिंग करता है इस सीजन में, यानी 2 साल का होने वाला है, वैसे उम्मीद है कि फ्रूटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर इसको बढ़ने दिया जाए बेचारे को, छोटी सी शाख निकलने लगती है या तो चिड़िया खा जाती है, या तो अपने कबूतर खा जाते हैं, या तो ये मुर्गे भाई साहब लोग खा जाते हैं, तो बेचारे को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। तो मैंने कहा चले आपको भी फालसे का पौधा भी दिखा देता हूँ, इसकी भी अपडेट दे देता हूँ। बाकी के तो सारे पौधे देखें, ये भी ये वाला भी तोड़ दिया इन लोगों ने, समझ लें ये इस छोटे गमले में भी एक पौधा था यही वाला, तो उसको तो इन लोगों ने खत्म कर दिया, उसी मट्टी में सुबह मुर्गी खेल रही थी। और ये वाले की भी देखें जो मेन जड़ें होती है ना वो इन लोगों ने तोड़ दी जालिमों ने, तो इस बेचारे को ना मैंने इस गमले से अटकाया हुआ है कि बस तू अपनी जगह पे लगा रहे। बाकी इसमें भी देखें खड्डे वड्डे किए हुए, इसकी भी जड़ों तक पहुंचने वाले हैं, मतलब आधी यहाँ से पत्ते वत्ते काट भी दिए। बाकी एलोवेरा वगैरह सही है, बाकी एक इतना प्यारा एलोवेरा, इसकी भी ये लोग रेड़ मारने ही वाले, तो अभी मैं इसको वापसी मट्टी से भर दूंगा। देखें इसकी जड़ें तो बहुत अंदर तक गई होंगी, लेकिन इसकी भी जड़ें तोड़ रहे हैं यहाँ से, तो देखें ये जड़ तोड़ दी इसकी, इतनी मोटी बेचारे की जड़ थी, तो मट्टी भी इसकी आधी बाहर निकाल दी, अपनी रानी ने निकाली थी। तो एलोवेरा का साइज देखें माशाल्लाह, सबसे बड़ा एलोवेरा यही, और इसकी ये लोग रेड़ मारने में लगे हुए ये राजू रानी लोग। तो अभी इसको ना मैं दोबारा से सही करता हूँ, मट्टी वट्टी इसको भर दूंगा, फिर इसके पास भी नहीं आने दूंगा। बाकी के सारे देखे इतने इतने से, और ये वाला देखें कैसा जंबो साइज है माशाल्लाह से। तो इसकी जो है ना क्योंकि अकेला लगा हुआ है गमले में, बाकी एक गमले में कितने सारे सारे लगे हुए, और बाल्टी में तो माशाल्लाह से पता नहीं इतने ही भरे हुए हैं कि गिनने को बस बंदा बैठे ना
तो गिनते ही रह जाए, समझ में ही नहीं आएगी कितने लगे हुए। देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरे एलोवेरा ही भरे हुए हैं, तो पता नहीं इतनी माशाल्लाह से ग्रोथ होती है इनकी, जगह भी नहीं है और इनको निकाल निकाल के अलग अलग करने की, वरना इनको अलग करने लगे तो पूरा समझ ले यहाँ पे एलोवेरा की नर्सरी बन जाएगी। तो ये वाला पता नहीं कौन सा पौधा है, इसके अंदर कांटे थे तो मैंने काट दिए, इतना ज्यादा चुभते थे, जब भी इधर करीब आओ एकदम कांटा चुभ जाता था। बाकी देखें सारे एलोवेरा और बेचारे मेरे सदाबहार भी थे वो इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिए, ये एक पौधा बचे। तो जब इसमें बीज आएंगे ना फिर मैं निकाल के दूसरे गमले में लगाऊंगा ताकि सदाबहार वापसी से आ जाए हमारी छत पे। व्हाइट कलर वाले भी थे, उनमें व्हाइट कलर के फूल निकलते थे, लेकिन जो है ना वो इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब देखेंगे पिंक वाले ही बचे हैं खाली, तो देखेंगे व्हाइट वाले भी क्या पता उग जाए दोबारा से, अगर उनके बीज मिट्टी में होंगे ना तो फिर वो भी उग जाएंगे, तो देखेंगे। बाकी पौधों की भी मैंने आपको अपडेट दे दी, भाई कह रहे थे खाली कबूतरों की अपडेट देते हो, मैंने पूरी छत की अपडेट दे दी आज। अभी तक फैसला साथ आए नहीं ऊपर, उन कबूतरों की कलियां भी निकालनी थी। ये वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, सब चीजों की मैंने आज आपको अपडेट दे दी, अपने सारे परिंदों पौधों की सबकी अपडेट दे दी। तो अभी जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई ना वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।